और झोपड़ी पर रखकर चले गए। बाद में एक साल में एक साल के बाद आए और देखे यार ये झोपड़ी तो पहले कैसी झोपड़ी नहीं है और ये तो ऐसा ही आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। अरे बोले मैं तेरे को रसायन के लिए था क्या हुआ जिसका तुझको मैंने उपयोग करने के लिए कहा था उसका बंगला नहीं बना ना सोना नहीं हुआ। बोला आपको कहाँ रखे थे तू कहा निकाल के फेंक दिया। नहीं नहीं आप जहाँ रखे थे वही है देखो। उन्होंने जाके देखा सही है वो जहाँ रखे वही है। अरे फिर भी उसका उपयोग क्यों नहीं किया। बोले मेरे गुरु ने कहा है कि लालच के साथ नहीं जीना कर्म करना और तुम्हारे पैसे तुम दे रहे और मैं मेरे गुरु के अन्याय का पालन करते हुए बिना लालच के कर रहा हूँ। उनको बहुत दया आई। बोले कि ये कैसा आदमी है इतना देने के बाद भी कुछ नहीं किया और अपनी जिंदगी कर्म के अनुसार ऐसी तरह जीना चाहता है इसके ऊपर ऐसी कौन सी कृपा है। बोला मेरे गुरु ने मंत्र लिया था उस मंत्र के साथ मैं जीता हूँ उनकी अंगूठी ली हुई उस अंगूठी के साथ जीता हूँ उनके तंत्र के साथ जीता हूँ मेरी कर्म और मेरी दिल मेरी पत्नी मैं बहुत प्रसन्न है। अब उनको चिंता पड़ गई कि उनके गुरु ने इसको सहायता करने के लिए कहा और ये तो ऐसा ही बैठा बैठा बिना लालच के बैठा हुआ है और पैसा नहीं देता इसका कैसा करना चाहिए वो चिंता मत ना उसके सामने बैठ गए। वो अपने काम में धन में थे रविदास। बाद में उनको काम करते करते उनके पसीना आया और वो चप्पल को खीला ठोक रहे थे वो पसीना खीले के ऊपर गिरा तो खीला सोने में बदल गया। वो देखिए बोला मैं इसके सामने मूर्ख हूँ रसायन दे गया इसका पसीना भी सोना है ये इतना सिद्ध है इसके गुरु ने इसको इतना सिद्ध किया है मैं ऐसे वाले को क्या रसायन प्रदान करूँ। जिसके पास तारा की सिद्धि होती है तारा को ही नील सरस्वती कहा गया है और जिसके पास ये सिद्धि है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो अपनी बैठी जगह हजार लोगों को खाना खिला सकता है अपने जीवन में अपने पसीने से जी सकता है। ऐसी सिद्धि ऐसी साधना जो उनको दी गई थी वैसी साधना मैं आपको आज प्रदान करने जा रहा हूँ। जिस साधना को यंत्र को अपने घर में रखकर अपने बच्चों को कर्मवान बनाओ अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाओ कि वो बाहर जाए तो खुद भी लिए हजार लोगों को देने की कला भी सिखाए। अपने लिए तो प्रश्न भी लेता है खाना खाता है सो जाता है लेकिन जो आप खुद जीते हुए दस लोगों को जो सहायता कर सकता है वही संसार में मनुष्य है देवता है और सबसे बड़ा ऋषि है महर्षि है और ब्रह्म ऋषि है। तो इसकी सिद्धि की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए तो ऐसी कोई साधना करनी चाहिए जो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को सप्त महर्षियों को दी थी। सप्त महर्षि जंगल में रहा करते थे लेकिन उनको कामधेनु सिद्धि थी कल्पना शक्ति सिद्धि थी और वो हजारों लोगों को सोने की थाली में खिलाते थे लेकिन खुद केवल पत्तल में जो भी चावल या पशु अपने फल आदि होते थे उसको खा देते थे क्योंकि वो सक्षम थे। वो चाहे तो लाखों करोड़ों को सृष्टि कर सकते थे और चाहे तो अपनी गरीबी जीवन में संतुष्ट थे। आज हम लाखों करोड़ों को सृष्टि नहीं कर सकते न जी सकते आशा रखते हैं कि लाखों करोड़ों मिले तपस्या नहीं करते न गुरु कृपा को प्राप्त कर सकते और अपनी जगह बैठे लाख करोड़ कहाँ से आएंगे लाखों करोड़ कहाँ से आएंगे। तुम तुम्हारा कर्म गुरु को समर्पण करो गुरु तुम्हें कुछ ना कुछ एक दिन देगा और इतना देगा कि तुम देखते रहना। उसका उदाहरण तुम्हारे सामने दादा ने कहता कोई मैं पहले भी कहता हूँ आज भी कहता हूँ कोई मेरे माँ बाप करोड़पति नहीं थे और मुझे कुछ गुरु जी ने केवल दिया तो मंत्र ही दिया उस मंत्र के माध्यम से आज मैं कह सकता हूँ कि मैं भी वही करोड़पति आदमी हूँ लेकिन मैं आपके सामने बैठकर खाना खाता वही कोई सोने की थाली में नहीं खाना खाता। क्यों कहते हो ये बात आज गरीब में ऐसा नहीं हो सकता है कि कहें तो हो सकता है मैं आपके सामने उदाहरण ऐसे ही सिद्धि महाराजा विक्रमादित्य के भाई के भर्तृहरि भर्तृहरि नाथ है वे भी नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े हुए उनको जालंधरनाथ जी ने शिक्षा दी थी बाद में वैराग्य की शिक्षा दी और भर्तृहरि नाथ जी जब जा रहे थे भर्तृहरि जब अपना रागेश्वर कर जा रहे थे तो उन्होंने अपना राज्य विक्रमादित्य जी को दे दिया। विक्रमादित्य राज्य को लेने के बाद उनकी कुल देवता महाकाली की इष्ट देवता थी महाकाली के पास गए बोले इतना मैं राजकृष्ण कैसे संभाल सकता हूँ। तो महाकाली ने कहा मेरा ही अवतार नील सरस्वती है मैं ही स्मशान में विचरण करती हूँ तुम इनकी साधना कर। विक्रमादित्य ने उनकी साधना की और उनको सिंहासन बत्तीस सिंहासन का न्याय वाला राज मिला और विक्रमादित्य चक्रवर्ती कहलाए और उनके संबंध के बारे में आप मानते हैं कि विक्रमादित्य महाराजा कितने बड़े चक्रवर्ती हुए। ये तो उनकी कहानी होंगे जो कालीभक्त और नील सरस्वती की साधना कर रहे। विक्रमादित्य बहुत बड़े होशियार राजा थे वे कभी भी चाहते थे कि अगर बूढ़े आजकल क्या करते हैं अच्छे पके हुए बाल वाला और बहुत बड़ा हुआ विद्वान उसको निर्णय करते हुए अपने को मंत्री के रूप में रख लेते हैं या किसी के रूप में रख लेकर करते हैं
बाद में अपने एक बार हो तो अपने अपने बातें बनता है, लेकिन वो बात बताएगा तो बुढ़ा आदमी कैसे बताएगा, डब्बू सर बातें बताएगा, किसी के साथ झगड़ मत, किसी के साथ मन दे जा, उसके साथ वो मत कर, ये मत कर, के ज्यादा न्याय नहीं करेगा। विक्रमादित्य को ये अच्छा नहीं लगता था, वो कभी भी अपने पास मंत्री और सेनानी को अपने को ऐसे 18 साल के बालक को लगा देते थे। 18 साल का बालक कोई अन्याय नहीं करता, और करता थे जो बात करते जाता है तो उनको उसको चुनते थे और उसको चुनकर अपने पास रखते थे। तो उनके साथ उन्होंने ऐसे ही एक बालक को वीर सेन नाम के बालक को चुना और उसकी परीक्षा लेने का ही। वो एक बार बैठे रात में मनो दबाते अपने राजा की सेवा कर रहा था, तो लेकिन वो जब विक्रमादित्य उनके पास किसी 18 साल के बालक को लेके गए तो उनको पहले ही नील सरस्वती यंत्र और अंगूठी दे दिए, इसलिए कि उनके ऊपर सरस्वती कृपा हो और रोज उस मंत्र को बोलो ऐसा हो उनको कहा करते। उस बालक से उस बालक को भी वीर से नामक उस बालक को भी दिया, वो भी वहाँ खड़े रहे रोज बालक करता था। लेकिन एक आदमी क्या हुआ कि जोर से एक औरत की रोने की आवाज आई, तो उनने राजा एकदम उठ के खड़े हो गए और कहा जो सुन रहा है क्या कोई औरत की रोने वाली आवाज आ रही है? तो वीर से ने कहा हाँ प्रभु मुझे भी आवाज आ रही है, जाके तो देख कौन रो रही है, क्या हुआ है उसको देख तो देख। तो गया दीवार के बाजू में देखा तो महाकाली के मंदिर के सामने दिलीप राजा के मुकुट पहने हुए बहुत सुंदर स्त्री रो रही है। तुमने कहा स्त्री आप देवी हो या क्या हुआ, क्यों रो रही है, तुझे क्या बताऊं बेटा, कल तक विक्रमादित्य ने इस राज्य को सोने के राज्य में राज्य किया और मैं उसकी राज्य लक्ष्मी हूँ, वो मेरी पूजा और मेरी पूरी साधना संपन्न करवाता था, उसके सारे देवता सज्जन थे, लेकिन वो अभी 4-5 दिन में मर जाने वाला था। अब वो मर गए तो मुझे पूजा करने वाला कौन, मुझे देखने वाला कौन, इसलिए मैं रो रही हूँ कि वो चला जाएगा तो आगे कैसा होगा। तो वीर सेनानी वीर सेन नाम का उसने बोला नीचा जी भी विक्रमा जी मरने वाले, बोले ऐसा तो कोई देवी है आप, इसका तो कोई उपाय होगा कि विक्रमादित्य तुम्हारे यहाँ नहीं मरे, इसके बारे में तुम लोग बताओ। इस सारी चीज़ों को विक्रमादित्य जी पीछे से देख रहे थे, तो उस देवी ने कहा ये बेटा मैं तुझे क्या बताऊँ, उस राजा के बदले में कोई अपनी बलि देता है तो उस राजा की आयु और 1-10 साल बढ़ सकती है, तो माँ इसके लिए चिंता की क्या बात है, ये नहीं मैं मेरी बलि देता हूँ, उसने तलवार उठाई और सर काट कर माता की तरफ रख दी। विक्रमादित्य के आंखों में आंसू आए, कहा कि मैंने उसकी बलि प्राणी माता भागते हुए आए और माता को कहा माता तुमने ये क्या किया, तो बोले तूने ही कहा था परीक्षा लेने के लिए, मैंने परीक्षा ली, वो तो सर काटते रह गए। माँ आज तुझे कहता हूँ आज मेरे घर में बलि हुआ, अगर ऐसी समर्पित सेनानी और भक्त मेरे साथ हो तो मैं ऐसे राज्य 1000 कर सकूंगा, अगर वो एक चला गया तो मैं जी नहीं जी सकूंगा, आज तुम मेरी बलि ले लेंगे तो उसको बचा। तब माता ने कहा नहीं विक्रमा ऐसा नहीं होगा, मैं उसे भी बचाऊंगी, तू यहाँ से चला जा और उसको पुकार वो तेरे साथ आ जाएगा। जब विक्रमादित्य अपने स्थान पर गए और उसको वीर सेन नाम से पुकारा तो माता ने उसका सुनी उसका सर घर से अलग किया और उसको जोड़कर भी किया, कहा कि माँ तूने इसको कैसा जोड़ा, कल के दिन ऐसी ही परीक्षा में दो तो इसके लिए फिर मुझे बुलाना होगा और मैं तुझे बार बार बुलाना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा मृत्यु में प्राप्त करे अच्छे समर्पित शिष्य को फिर जिंदा करने की शक्ति में तुझे बताती हूँ, और वो संजीव उन्होंने प्रणाम करते हुए इस नील सरस्वती का स्तोत्र किया और कहा जिसका जितने स्तोत्र का पाठ करता है वो अपने गुरु के प्रति समर्पित होगा, अपने कुटुंब के प्रति समर्पित होगा, अपने देश के प्रति समर्पित होगा और अन्याय से नहीं जीवेगा, न्याय के साथ जीवन जिएगा, ऐसा स्तोत्र मुझे प्रणाम करते हैं। और उन्होंने जो विक्रमादित्य महाराज ने उस वीर सेन को स्तोत्र किया और जो यंत्र की प्रक्रिया की और जिसके कारण वे सामर्थ्यवान बने और अपने जाने के बाद उनके स्थान पर उस वही वीर सेन बाद में राजा हुए। मैं आपको कहता हूँ नील सरस्वती की विद्या ऐसी है, विद्या का पढ़ना अलग है, आजकल बहुत सारे पीएचडी लोग हैं पीएचडी पढ़े वाले हैं लेकिन वो 4000 नौकरी पर काम करने के लिए तैयार है, 10000 नौकरी और बिना पढ़ा है लाखों करोड़ों कमा रहा है, बैठे बैठे दस लेकर वो लेकर ये लेकर पढ़ा रहा है, आपके सामने उदाहरण है, क्या फर्क है, क्यों उसको वो प्राप्त हुआ क्यों हमारे को ये प्राप्त हुआ, हम बहुत विद्वान हैं फिर भी हमें अनपढ़ लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़ता, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारे पर सरस्वती की कृपा विद्या प्राप्ति के लिए है, लेकिन यश कीर्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए धन धान्य ऐश्वर्य के साथ अपनी वाणी की सिद्धि के लिए केवल नील सरस्वती या उग्रतारा या स्वर्णतारा इसी देवता है
जिसके घर में वो यंत्र हो और उसकी साधना वो 40 दिन करे और सरस्वती नदी में उस यंत्र को प्रवाहित करे, सरस्वती नदी में दे दे, उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और यश कीर्तिमान बनते हुए वह सारे विषयों को, सारे जीव को अपनी वाणी की सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसी ही साधना मैं आपको अभी 15 मिनट में दे रहा हूं, जिसको आज वसंत पंचमी के दिन आरंभ करो और केवल 40 दिन करते हुए उस यंत्र को केवल सरस्वती नदी में ही आपको समर्पित करना है। सरस्वती नदी गुप्त है, इसका कारण इस गुप्त का नदी को देखना है तो तुम कहीं भी जहां गंगा यमुना और सरस्वती तो नदी कहते हैं लेकिन गया से लेकर कलकत्ता तक इस नदी का प्रवाह होता है जो हरिद्वार के पास भी है। जिस दिन इस मंत्र को करेंगे आपको चमत्कार देखना है, जो अदृश्य होगी सरस्वती देवी है इस तंत्र को बोलते हुए प्रत्यक्ष होगी और उसमें आपको इंद्र डाल दो, आप संसार में सर्वसिद्ध कहलाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, आपके बच्चे, आपके घर के लोग, सभी लोग अनुभव करेंगे कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगा कि आप ही सुख संपन्नवान ऐश्वर्यवान हुए। ऐसा ही नील सरस्वती का यंत्र और साधना मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। अब 15 मिनट में उस यंत्र और साधना और उस अंगूठी को लेकर आ जाओ, मैं साधना आपको बोलता हूँ। साधु भजन।